नमस्कार, स्टॉप टीवी स्टूडियो की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, स्टॉप टीवी पर आजकल एक ऐसे महामानव का संस्मरण की श्रृंखला प्रसारित की जा रही है जिन्होंने देश, समाज, राष्ट्र, कला, संस्कृति, साहित्य, इतिहास, पुरातत्व और चिकित्सक तो मूल रूप से उठे ही, इस पर इतना अधिक काम किया कि उनके संस्मरणों का एक बहुत बड़ा जखीरा यत्र तत्र बिखरा पड़ा। हम उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं और इस कड़ी में मैं आज मौजूद हूँ नोएडा के सेक्टर 93A में, जहाँ हमारे मेरे गुरुदेव प्रोफेसर त्रिपित नारायण सिन्हा जी आजकल रह रहे हैं। प्रोफेसर त्रिपित नारायण सिन्हा जी बेगूसराय के गणेश दत्त महाविद्यालय में अंग्रेजी विभाग के प्राध्यापक रहे, विभागाध्यक्ष रहे और जीडी कॉलेज का ही नहीं बल्कि बेगूसराय के तमाम सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों के सूत्रधार भी रहे। इनके समय में मैंने जीडी कॉलेज में एक नाटक किया था कोणार्क में, विशु की ये मुकुंद की भूमिका में था और वो भूमिका सराही गई, कई लोग उसमें थे। प्रोफेसर आशीष शर्मा थे, प्रोफेसर डी के ओझा थे, प्रोफेसर वेंकटेश थे, उसमें प्रमोद बाबू उस नाट्य परिषद के सचिव हुआ करते थे। तो बहुत सारी स्मृतियां हैं इनके बारे में। और एक बार बैठक में लोगों ने पूछा कि कलेक्टर को बेसी पावर है कि प्रिंसिपल को, चूंकि हमारे पास बैठे हुए थे डॉक्टर सीताराम सिंह प्रभंजन, वो भी, तो मैंने कहा प्रिंसिपल को ज़्यादा पावर है। तो उन्होंने कहा कैसे, तो हमने इनका एक संस्मरण सुनाया। जब प्रोफेसर त्रिपित बाबू वहाँ अंग्रेजी विभाग में थे और एक परीक्षा हो रही थी विश्वविद्यालय की, उसमें वहाँ एक SDO हुआ करती थी राजवाला वर्मा, और राजवाला वर्मा के क्रियाकलाप और उसको और भी कहें गतिविधियों की चर्चा बहुत होती रही। ये झारखंड सरकार में प्रधान सचिव होके सेवानिवृत्त हुई और जब वो इन क्रम परीक्षा के क्रम में इनके कमरे में पहुंची तो प्रोफेसर साहब ने उसे कहा था कौन हो तुम, चूंकि तो लड़की जैसी लगती लड़की थी, तो कहा मैं SDO हूँ, बाहर निकलो तुमको अंदर कहा कि चाहिए गेट आउट। इस तरह से डपटे की बेचारी चली गई और जाके प्रिंसिपल साहब को कहा प्रिंसिपल साहब देखिए आपके फलाने रूम में एक विजिलेटर है जिन्होंने हमको निकाल दिया। प्रिंसिपल साहब उसमें रामेश्वर मिश्रा जी थे कार में, उन्होंने कहा पहले बैठिए, शांत हो लीजिए और आप पहले ये जान लीजिए कि आपको पहले यहाँ आना था और मुझे साथ लेके चलना था। उसके बाद इतना हताश हुई कि वहाँ से फिर लौट गए। तो प्रसंग मैंने बताया कि आप देखिए कि SDO और कलेक्टर को बेसी पावर होता है कि इंजीनियर को बेसी पावर होता है। तो चलिए, ये सब बात तो छोटी सी बात थी। जब मैं आज एक संस्मरण और भी मैं सुनाना चाहता हूँ इनके बारे में कि जब एक बार प्रेमचंद जयंती का जन्म शताब्दी समारोह होने वाली थी और चार नाटकों की जिसकी चर्चा करेंगे हमारे ये आदरणीय गुरुदेव जी, कि वो अलका सिनेमा में नगर भवन निर्माण के लिए चैरिटी शो किया गया था, उसमें एक मनोवृत्ति नाटक मुझे करना था। अब मनोवृत्ति में नारी पात्रों की आवश्यकता थी तो डॉक्टर पी गुप्ता ने कहा देखो नारी पात्रों की व्यवस्था तो मैं कर ही दिया करता हूँ, लेकिन तुम थोड़ा सा प्रयास करो बिहारी परिवार से कितने बच्चियों को ला सकते हो और कुछ अपना खिड़की भी खोलो, तो दूसरे खिड़की में कब तक जाते रहोगे, कुछ अपने घरों से। उसके बाद मैं चला गया, चूंकि मैंने तो सबसे आदरणीय और काफ़ी नज़दीक भी कहें कि प्रोफेसर साहब थे, मैं इनके घर पर चला गया। उसमें नंद किशोर झा जी का एक संगीत का क्लास चल रहा था और डॉक्टर गिरधर बाबू रहते थे, उनकी एक बच्ची पर सीख रही थी। तो मैंने जब कहा कि बड़ी लड़कियों का तो जाम है इसलिए भाग लेंगी, चलिए तो एक हो गई। तो फिर गिरधर बाबू की बच्ची जो थी उसने कहा कि मैं भी भाग लूँगी। तो कहा ठीक है। प्रोफेसर साहब ने कहा जाओ पापा से परमिशन लो, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग गए, फिर वहाँ चाय पिए, डॉक्टर साहब निकले, बड़े सहृदय डॉक्टर साहब थे, बैठ के कहे कि मैं तो अनुमति दे दूंगा लेकिन एक शर्त पर। मैं घबरा गया कि भाई शर्त पर बच्चियों को ले जाना बड़ी मुश्किल है। तो लेकिन फिर उन्होंने पूछा आपका शर्त क्या है, तो उन्होंने जो शर्त बताया तो कहा कि मेरी तीनों बच्चियों को अगर अपना ट्रेन में रोल देंगे तभी ये जाएंगी। अंधा सा है दोनों आँख, मुझे तो और खुशी हुई कि भाई एक बदलाव चार चार कलाकार यहाँ हो गए। तो इस तरह से कलाकारों के चयन में और इस तरह से सहयोग और मिला। फिर बाद में तो इनके घर की जिस दिन प्रदर्शन हो रहा था सभी बच्चियाँ यहाँ तक मैडम भी मंच पर थी, तो
तो मैं इनका नमन करता हूँ। आप डॉक्टर पी गुप्ता के बड़े करीबी रहे हैं सर, और आप अपने संस्मरणों का लाभ हमें, हमारे स्टॉप टीवी चैनल को और हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को, उद्देश्य भी है भावी पीढ़ी जान सके कि एक ऐसे भी महामानव चिकित्सक हुआ करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने संस्मरणों का लाभ हमारे स्टॉप टीवी को दें। पटना विश्वविद्यालय से अपने मेडिकल की पढ़ाई समाप्त करने के बाद और डॉक्टर प्रसिद्ध पटना के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ए के सेन के सहायक के रूप में काम करने के बाद, जब अपने आलिशान पैतृक मकान स्वर्णासन को छोड़कर डॉक्टर पी गुप्ता अपनी पत्नी के साथ बेगूसराय आकर बस गए, तो बेगूसराय के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात हो गया। कौन सी ऐसी ऐसी बातें थी, क्या विशेषताएं थी उनकी, ये आपको इन विभिन्न नरेंद्र जी ने जो संस्मरण का की श्रृंखला शुरू किया है उससे आपको पता चल जाएगा कि बेगूसराय में क्या क्या परिवर्तन आया और मेरे साथ डॉक्टर पी गुप्ता का संबंध कितना गहरा था, इसकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो पहले मैं ये बताऊं कि बेगूसराय के जीवन में पहला परिवर्तन जो हमने देखा, वहाँ डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर पहले से ही थे, जमे हुए थे अपने पेशे में, पैसे वाले लोग भी वहाँ काफ़ी हैं बेगूसराय में, सबकी चलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब जब आए तो उन्होंने अपना कंसल्टेशन फीस सिर्फ 2 रुपया रखा, तो सब लोग सोचने लगे कि 2 रुपया में कैसे काम चलेगा, इनका भाई ठहरे नहीं है। बेगूसराय के तमाम दबे कुचले गरीब लोग जितने भी थे उनको तो बहुत खुशी हुई और उनका इलाज एक तरह से मुफ्त ही होने लगा। वो 2 रुपया भी वो बहुत करीब करीब 25% लोगों से नहीं लेते थे, जो उनके साथ काम करने वाले उनके सहयोगी लोग थे वो उनके यहाँ जब बीमारी के बारे में सलाह लेने जाते थे तो उनसे वो कुछ नहीं लेते थे। गरीबों से जो बिल्कुल लाचार है उनको पता चल जाता था कि ये लाचार है, 2 रुपया भी इसके लिए देना मुश्किल है, तो फिर वो कुछ नहीं लेते थे, दवाई भी अपने घर से खर्च कर देते थे। एक तो यह परिवर्तन आया बेगूसराय में, जो वहाँ के जीवन में बहुत लोगों को इसके चलते उन्होंने प्रभावित किया। दूसरा, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, साहित्यिक, हर जीवन को उन्होंने प्रभावित किया। बेगूसराय का कोई कोना ऐसा नहीं था, कोई वर्ग ऐसा नहीं था, कोई जाति के लोग ऐसे नहीं थे, कोई धर्म के मानने वाले ऐसे लोग नहीं थे जो डॉक्टर पी गुप्ता से प्रभावित नहीं हुए। इसका कारण क्या था? कारण ये था कि वो शुरू से ही, उनको हम उस समय से जानते थे, पटना विश्वविद्यालय में जब मैं विद्यार्थी था, विद्यार्थी नहीं, पटना विश्वविद्यालय में जब मैंने अभी नाम ही लिखाया था, एक फर्स्ट ईयर के बाद क्रॉस किया था, सेकंड ईयर में मैं पहुंचा था, उस समय मैं बीमार पड़ गया तो डॉक्टर ए के सेन मुझको देखने के लिए आए थे। डॉक्टर ए के सेन क्यों आए थे? इसलिए कि मैं छात्र संघ का बहुत कर्मठ कार्यकर्ता था। मेरा काम नेतृत्व करना नहीं था छात्र संघ में, लेकिन मैं पोस्टर छापना, मंच बनाना, तरह तरह का छात्र संघ का जो भी आदेश होता था हमारे नेताओं का, उसका हम पालन करते थे। मीटिंग डॉक्टर ए के सेन के यहाँ हुआ करती थी। एक दिन की मीटिंग में मैं नहीं गया, उन्होंने पूछ दिया नाम लेकर कि आज क्रिकेट को नहीं देखते हैं, तो इस पर किसी ने कहा कि बीमार हो गया है, उसको इन्फ्लुएंजा हो गया है। डॉक्टर ए के सेन अपने चले आए और उनके साथ डॉक्टर पी गुप्ता भी थे सहायक के रूप में, जहाँ तक उनको याद है, बाद में उनके चेहरे से लगा, हालांकि उस समय उनसे विशेष परिचय नहीं हुआ था, नाम भी ज़्यादा नहीं हुआ मालूम,
कुछ खास उनसे बात नहीं हुई। डॉक्टर ए के सेन ने मुझको देखा, ये एक बहुत बड़ी बात थी कि डॉक्टर ए के सेन के जैसा विख्यात आदमी जिसको एक मिनट फुर्सत नहीं थी, लाइन लगा रहता था उनके यहाँ पेशेंट्स का, वो अपना समय छोड़कर, अपने पेशेंट्स को छोड़कर अपना समय देने के लिए मेरे पास पहुँच गए। तो उनके सहायक के रूप में डॉक्टर पी गुप्ता की बहुत रिगरस ट्रेनिंग एक तरह से हुई थी, और संगठन बनाने का काम, विभिन्न प्रकार का संगठन बनाने का काम उन्होंने बेगूसराय में आकर वही उसी रास्ते से किया, उसी तरीके से किया जो उन्होंने डॉक्टर ए के सेन के यहाँ देखा था, सीखा था। तो पहला संगठन, एक दिन मैं सोच ही रहा था कि डॉक्टर साहब से जाकर मिलूँगा, तब तक डॉक्टर साहब का कंपाउंडर मेरे यहाँ आ गया और उसने कहा कि आज शाम में अगर आप फ्री हैं तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ आएंगे, मिलना चाहते हैं। तो मैं लज्जित हो गया, मैंने सोचा कि मुझको ही पहले जाना चाहिए था, लेकिन खैर कोई बात नहीं। तो मैंने उस दिन उनका इंतज़ार किया और शाम में डॉक्टर साहब सारे काम के फुर्सत पाने के बाद मेरे पास आए। बहुत तरह की उनके साथ बातें हुई, मेरे परिवार की उन्होंने विस्तृत जानकारी ली, अपने बारे में भी उन्होंने बहुत कुछ बताया और साथ साथ बेगूसराय के बारे में बहुत सारा क्वेश्चन किया। उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप शिक्षक होकर यहाँ आए हैं तो यहाँ के शिक्षा जगत की क्या सब समस्याएं हैं, इसका अध्ययन आपको होना चाहिए। उन्होंने मुझसे पूछा कि सिलेबस के अलावे आप और की क्या गतिविधि आजकल है, यहाँ आप क्या क्या काम करते हैं। तो हमने कहा कि अभी तक तो हमने कोई खास काम नहीं किया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप शिक्षक हैं, शिक्षा जगत की समस्याओं को सुधारने के लिए, उसका समाधान करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए, बहुत सारी समस्याएं हैं शिक्षा में। तो हमने पूछा कि भाई आप जो सलाह दीजिए क्या करें। तो उन्होंने कहा कि पहले आप एक नागरिक शिक्षा परिषद बनाइए, बेगूसराय नागरिक शिक्षा परिषद, ब्रांच ऑफ सिटीजन्स काउंसिल ऑन एजुकेशन, जो डॉक्टर ए के सेन ने समूचे बिहार के स्तर पर बना करके रखा है, बेगूसराय में उसकी कोई शाखा नहीं है, आप उसको पहले यहाँ संगठित कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप कभी भी अपने को आगे में मत रखिए, कुछ करने की कोशिश अपने को किसी संगठन में नहीं कीजिए, आप संगठन में ऐसे लोगों को लाइए ऐसा मालूम पड़े कि ये उनकी योजना है, आपकी योजना नहीं है, उनकी योजना है। आप किसी से ब्रीफ ले करके यहाँ मेरे पास नहीं, उनके पास नहीं गए हैं, बल्कि उनकी अपनी, अपने मन में जो विचार आया है उसके आधार पर वो काम करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कल हो करके, मैं बेगूसराय के बहुत संधारण और समझदार वकील साहब एक थे डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद, उनके यहाँ गया और उनको मैंने बताया कि बेगूसराय में शिक्षा की बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोग तो शिक्षक हैं ही प्रभावित हैं उन समस्याओं से, लड़के भी प्रभावित हैं, विद्यार्थी भी प्रभावित हैं, आप ऐसा कीजिए कि बेगूसराय में एक संगठन बनाइए अपने नाम पर, बार एसोसिएशन में एक मीटिंग बुलाइए और उसको संगठित कीजिए और उसके माध्यम से तरह तरह की का प्रश्न उठेगा उसका समाधान निकालने की कोशिश कीजिए। तो डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद को हमने सजेस्ट किया कि आप इसके अध्यक्ष बनिए और एक कार्यकारिणी समिति आप बना लीजिए। वो बड़ा खुश हुए और उन्होंने वो बना लिया। उसके बाद फिर जब डॉक्टर पी गुप्ता से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि अब आप एक आयोजन कीजिए एक सेमिनार का, ओकेजन क्या होगा, तो कार्ल मार्क्स की 150वीं जयंती मनाने का आयोजन कीजिए। तो
इस बात इस प्रस्ताव को लेकर के डॉक्टर जगन्नाथ इनके यहाँ वकील साहब के यहाँ जगन्नाथ बाबू के यहाँ हम फिर गए और बार एसोसिएशन की मीटिंग बुलाई गई। उसमें एक प्रस्ताव पास हुआ कि साहब एक कार्ल मार्क्स की 150वीं जयंती मनाई जाए। डॉक्टर साहब की सलाह पर हमने सजेस्ट किया उसमें कि 3 दिनों का सेमिनार किया जाए। एक सेमिनार एक दिन पहले दिन का आयोजन दर्शन शास्त्र संबंधी विषय पर हो, दूसरे दिन का प्रस्ताव दूसरे दिन का आयोजन इतिहास के बारे में हो और तीसरे दिन का आयोजन अर्थशास्त्र के बारे में हो, अर्थशास्त्र की समस्याओं पर विचार हो। तो उन्होंने कह दिया कि आपने बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, डॉक्टर साहब ने कहा पी गुप्ता ने कि बहुत अच्छा प्रस्ताव दिया है, अब आपको एक काम करना है कि पहला दिन जो होगा उसकी अध्यक्षता करने के लिए हम चाहते हैं कि डॉक्टर गंगाधर अधिकारी को बुलाया जाए और उसमें आप एक पेपर पढ़िए, जो पेपर आप जो उसी की विवेचना करना उसी आपके पेपर के आधार पर सब लोग उस पर विचार विमर्श करेंगे, अपना अपना गंतव्य व्यक्त करेंगे। हमने कहा हम क्या पेपर पढ़ें, तो उन्होंने कहा कि आपको गीता पर पढ़ना है। अब मैंने गीता कभी पढ़ा नहीं था, मैंने उनसे कहा कि मैंने गीता का कोई गंभीर अध्ययन नहीं किया है, ये मेरे लिए बड़ा कठिन काम होगा, अपने सिलेबस की चीज़ों पर साहित्य पर कुछ बोलना हो तो भले हम बोल सकते हैं लेकिन गीता पर हम क्या बोलेंगे। उन्होंने कहा कि आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप चाहिएगा वो कर दीजिएगा। 10 किताबें उन्होंने अपने घर से तुरंत अपनी अलमारी से निकाल के मेरे सामने लाके रख दिया और कहा कि इसको पढ़िए, अभी समय है और गीता पर आप अच्छी तरह से तैयार हो जाइए। मैंने बहुत कहा कि मुझको छोड़ दीजिए, दर्शन शास्त्र के किसी प्रोफेसर को हम तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, आप तैयार कीजिए चूँकि आपकी विचारधारा हमसे जुलती जुलती है और आप उसी दृष्टि से पढ़िएगा तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें हमको दिया, पढ़ने में खूब मेहनत किया, 2 महीना समय लगाया और अंत में वो भाषण हुआ। दूसरे दिन डॉक्टर रामशरण शर्मा ने कार्ल मार्क्स के इतिहास संबंधी कार्ल मार्क्स के जो विचार थे तो उस पर चर्चा शुरू हुई, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर रामशरण शर्मा ने किया। तीसरे दिन फिर मोहित सेन को उन्होंने बुलाया था, जो मोहित सेन उस समय बहुत नामी गिरामी नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी के भी और साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनको बुलाया गया। ये 3 दिन का कार्यक्रम ऐसा भव्य आयोजन हुआ कि आज तक सब लोगों को कहना पड़ा कि आज तक ऐसा आयोजन कभी भी किसी जगह कार्ल मार्क्स की जयंती को मनाने के लिए नहीं किया गया था। बहुत प्रसन्न हुए सब लोग और एक आधार बन गया, एक बेस बन गया, तरह तरह का सेमिनार करने की एक योजना रोज रोज लोगों के दिमाग में आने लगी। तो पहला तो काम ये हुआ जिसमें डॉक्टर पी गुप्ता के साथ मेरा घनिष्ठ संबंध पहले ही बन गया। पहले तो परिचय साधारण था लेकिन धीरे धीरे घनिष्ठता हो गई। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब आपको एक और काम आपके लायक हम देते हैं क्योंकि यह काम चूँकि शिक्षक होने के नाते आप ही कर सकते हैं, दूसरे लोगों से ये काम नहीं होगा। तो हमने कहा कि क्या, उस पर उन्होंने कहा कि अब आप बेगूसराय में एक भारत रूस मैत्री संघ की स्थापना कीजिए और भारत रूस मैत्री संघ आप उसके सचिव या पदाधिकारी या अध्यक्ष नहीं रहिए, दूसरे को फिर चुन के बनाइए किसी को और आप पीछे से बैकग्राउंड में रह के सारा काम उनका कीजिए, संभालिए उनको, लेकिन उनसे जैसा चाहिए, हो सकता है कि जिसको आप अध्यक्ष बनाएंगे उनका भाषण भी आप ही को लिख के देना होगा।
तो मुझको ये काम लगा कि ठीक है, ये हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो उस पर हम गए, पहले शालिग्राम बाबू वहाँ के बड़े नामी वकील थे, गांधी की टोपी सब दिन लगाते थे, कट्टर कांग्रेसी थे लेकिन कम्युनिस्टों से चिढ़ते थे, लेकिन कांग्रेसी होने के नाते पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, ये तीनों की के भक्त थे, आँख मूंद कर उनकी बात मानते थे, उनकी प्रशंसा बहुत करते थे। मैंने शालिग्राम बाबू से जाकर उनके घर पर मुलाकात की और उनसे कहा कि हम एक काम से आए हैं कि नेहरू जी चाहते हैं, उनका एक लेख आया है, समाचार आया है पटने में, एक रैली में उन्होंने कहा भी कि भारत रूस मैत्री संघ का की शाखाएं सारे भारत में बननी चाहिए, क्योंकि ये मैत्री भारत के दृढ़ता के लिए, अखंडता के लिए, एकता के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें सारे लोगों को बढ़ चढ़ हिस्सा लेना चाहिए। तो शालिग्राम बाबू को कुछ पता नहीं चला कि मेरे सूत्रधार कौन हैं और मैं किस नियत से मैं यहाँ आया हूँ। तो उन्होंने इसको फिर बहुत पहले तो नहीं, बाद में उन्होंने उनको जब कहा कि आप इसके अध्यक्ष बनिए तो उन्होंने तैयार हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि हमको भाषण वाषण देना नहीं आता है। हमने कहा भाषण आप छोड़िए ना, भाषण देने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप जो भी करेंगे सब ठीक रहेगा इसके लिए। फिर अपने मित्र को ही, करीब को, इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर श्रीधर नारायण पांडे को मैंने उनका सचिव बनने के लिए संस्था का तैयार किया और बेगूसराय के भिन्न भिन्न विचारों के लोगों को, पार्टी अलग अलग किस्म की पार्टियों में काम करने वाले लोगों को सबको पर्सनली जा करके कार्य समिति में सदस्य के रूप में काम करने के लिए राजी किया। इस तरह भारत रूस मैत्री संघ की एक तगड़ी शाखा बेगूसराय में बन गई। अब उनका दूसरा प्रस्ताव हुआ कि बेगूसराय में शाखा खाई बन जाने से नहीं होगा ना, आप इसमें भव्य सांस्कृतिक आयोजन कीजिए और साथ साथ ये कीजिए कि भारत रूस रूसी भाषा की शिक्षा देने के लिए अपने कॉलेज में प्रबंध कीजिए। आप अपने प्रिंसिपल से, वाइस प्रिंसिपल से बात करके उनको राजी कीजिए कि रात में वो एक क्लास चलाने की का परमिशन दें और रात में उसकी व्यवस्था करें। रूसी भाषा सिखाने के लिए रूस के बहुत से कलाकार लोग रशियन हॉस्टल में आजकल आए हुए हैं, बहुत से लोग हैं, उनमें से कोई तैयार हो जाएंगे, उनको आप बात कीजिएगा तो उनको आप तैयार कर दीजिए। मैंने रशियन हॉस्टल में अपने मित्रों के, दो तीन मित्रों के साथ जा कर के, मिस लूसी थी जो इंटरप्रेटर थी, अंग्रेजी हिंदी दोनों जानती थी, उनको मैंने राजी किया कि आप मेरे यहाँ अगर रूसी भाषा सिखाने के लिए चलिए तो हम आपके यहाँ अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, आपके बच्चे लोग भी यहाँ देखते हैं उनको भी अंग्रेजी पढ़ाने के लिए हम आ सकते हैं। इस तरह से म्यूचुअल कोऑपरेशन का एक अच्छा उदाहरण बन जाएगा। अब इस सोसाइटी के तत्वावधान में ऐसा ऐसा आयोजन हुआ भव्य, जिसको भारत के बेगूसराय की जनता कभी भूल ही नहीं पाती है और भूल ही नहीं सकेगी। शायद उस ज़माने के जितने लोग हैं उनको यूस आयोजनों की याद जब आती होगी तो एक एक करके अभी भी रूसी कलाकारों का गाना, एक महिला ने गाया ओ माँ के छोड़े मेरी गली आया न करो, ऐसा गाया कि गली गली में भी उसका गाना गूंजने लगा। और रोमानियन डांस, हंगेरियन डांस, बल्गेरियन डांस, मास्को का डांस, भारत की तरफ से भांगड़ा डांस, कथक डांस, भरतनाट्यम, ये सब हमने एक मंच से, जबकि बेगूसराय में कोई मंच नहीं था लेकिन एक चबूतरा टाइप का ऊंचा मंच बना लिया लंबा चौड़ा और उस पर सब कार्यक्रम होने लगा।
तो कई तरह का आयोजन उसमें किया गया। सारे बेगूसराय के लोग उसको जानते हैं अच्छी तरह से, और भारत रूप मैत्री संघ के असली सूत्रधार तो डॉक्टर पी गुप्ता थे। हमारा कुछ नहीं था उसमें, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, सिर्फ हम उनके सहयोगी थे। उसके बाद एक आयोजन खत्म होता था, दूसरे आयोजन का उनके दिमाग में कोई न कोई बात आने लगती थी, कोई न कोई आयोजन वो करने की बात सोचने लगते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि बेगूसराय के पास खेमरा गांव में एक लड़की शादी की रात में ही विधवा हो गई। ऐसा दर्दनाक सीन हुआ, जिस किसी ने भी सुना उस घटना के बारे में वो सुन करके करीब करीब बेहोश हो गया हर आदमी, लेकिन किसी के मन में वह बात नहीं आई जो डॉक्टर पी गुप्ता के मन में आई। डॉक्टर पी गुप्ता ने कहा, बुला करके मुझको फिर बुलाया, और उन्होंने कहा कि आप ये जानते हैं कि हेमरा में क्या घटना घटी? उन्होंने कहा कि हाँ ये तो हमको मालूम है। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप कुछ कर सकते हैं? हमने कहा तो क्या करें हम इसमें, बेगूसराय का समाज बड़ा रूढ़िवादी समाज है, ज़्यादातर लोग यहाँ सामंती विचार के रूढ़िवादी लोग संस्कार से हैं, इसलिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप कर सकते हैं सब कुछ, पहले एक काम कीजिए न कि पहले एक विधवा विवाह पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह समिति बनाइए, अपने उसमें नहीं रखिए, किसी को पकड़िए, किसी बेगूसराय के संग्राम नागरिक को, उनको फिर उसी तरह से ये काम दीजिए। तो मैं अपने प्रिंसिपल के पास गया, वो सामाजिक कामों में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, विद्वान थे, इतिहास थे, उनके हजारों विद्यार्थी थे, उनको मैंने राजी किया अध्यक्ष बनने के लिए विधवा विवाह पुनर्विवाह समिति। वो अध्यक्ष बनने के लिए तैयार हुए, फिर उन्होंने सचिव के लिए एक पुष्कर नाम के अपने विद्यार्थी को ही मनोनीत किया, कहा कि वो बड़ा अच्छा लड़का है, वो करेगा, सब आयोजित करेगा। उसी समय उन्हीं के डेरे पर बैठ के 101 आदमियों की को आजीवन सदस्य बना लिया गया उस समिति का, और एक से एक आयोजन उसमें होने लगा। सबसे पहले उस दुर्घटनाग्रस्त लड़की को के परिवार को मिला करके, उनके पिता से बात करके, परिवार से को राजी करके उसकी शादी करा दी गई। शादी करने के लिए वो लोग तैयार नहीं थे, लेकिन तैयार चूँकि मध्यम वर्गीय परिवार था और उसमें वो इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन अंत में वो राजी हुए और खूब हंसी खुशी के वातावरण में सरकारी पदाधिकारियों के सहयोग से भी उसकी शादी लोकल वोट के मैदान में कर दी गई। उसके बाद तो तांता लग गया, हर एक साल सामूहिक विधवा विवाह का आयोजन होने लगा, और सरकारी पदाधिकारी लोगों ने भी इसमें काफ़ी सहयोग दिया। ये काम भी हो गया, डॉक्टर पी गुप्ता की ही शुरुआत, उन्होंने ही किया था, उन्हीं की देन है। पता नहीं आजकल वो विधवा विवाह समिति चल रही है या नहीं चल रही है, इधर की मुझको जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय बरसों तक इसका आयोजन होता रहा। बाद में फिर दूसरा काम उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि नाट्य कला परिषद, संगीत परिषद, इन सब परिषदों को जहाँ तहाँ विभिन्न लोगों को बुलाकर आप संगठित कीजिए। अपने वो बहुत तरह के संगठन बनाने में लगे रहते थे, 32 संगठन उन्होंने बनाया था बेगूसराय में, और 32 संगठन के वो अपने सूत्रधार रहते थे, लेकिन बैकग्राउंड में रहते थे, कहीं भी वो सामने नहीं आते थे। उन्हें संगीत में बेगूसराय में कौन कौन लोग हैं जो दिलचस्पी लेने वाले लोग हैं, उनसे पर्सनल कॉन्टैक्ट कीजिए,
और उनको जमा कीजिए एक जगह, एक मंच पर लाइए, अपना कॉलेज में ही एक कार्यक्रम कीजिए, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर ये होगा, आप वहाँ कीजिए। तो फिर हम उस काम में लग गए। हम ये मानते थे कि डॉक्टर साहब जो कहेंगे उसको आँख मूंद के पालन करना, उस बात पर ये हमारा धर्म है। क्योंकि पटने में हमने यही सीखा था कि जो डॉक्टर ए के सेन कहते थे हम आँख मूंद करके उसका पालन करते थे। बेगूसराय में हमने देखा कि दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको ये सब बातें दिमाग में आती हैं। तो उन्होंने कहा, मैं गया एक एक करके कलाकार लोगों से मिलने लगा सबसे, वहाँ कौन इंजीनियर, एक वायलिन बजाते थे बहुत बढ़िया, कभी का परिचय नहीं था, उनके घर की तलाश किया, वहाँ गए उनसे मिले, एक जल तरंग बजाते थे उलाव में, जागेश्वर मलिक, उनके घर पर गए। और उन्होंने जब कहा कि ये आप किस काम से आए हैं, क्यों आपने कष्ट किया हमारे यहाँ आने का, जब उनको बताया कि हम चाहते हैं कि बेगूसराय में हमारे कॉलेज में आप एक कार्यक्रम दीजिए, सुना है कि आप बहुत अच्छा जल तरंग बजाते हैं, उनकी आँख से आंसू आ गया। उन्होंने कहा कि आज तक कोई बेगूसराय का आदमी हमारे घर पर आकर हमको इस तरह से आदर के साथ बुलाने नहीं आया था, हम जरूर आएंगे और रिक्शा का खर्चा भी हम आपसे नहीं लेंगे, हम अपने पैसे से ही वहाँ आ जाएंगे और जरूर बजाएंगे, जल तरंग बजाएंगे। फिर मचहा के एक रामचरित्र बाबू थे, तबला बजाते थे बहुत अच्छा, उनके घर पर मैं गया। कहने का मतलब कि इस तरह से व्यक्तिगत रूप से सभी लोगों से संपर्क करके नाट्य कला परिषद को आयोजित करने का काम मेरे मथे उन्होंने ले दिया था। तो मैं कलाकारों से मिलने लगा, उसी में अनिल पतंग जी से भी सरोकार हुआ, चूँकि ये खुद भी हर तरह की, ये अपने कवि थे, नाटककार थे, नाटकों में दिलचस्पी लेते थे, कलाकार भी थे, एक्टिंग भी करते थे और साहित्यकार थे, कहानियाँ भी लिखते थे, नाट्य रूपांतरण भी करते थे। इस तरह से इन्होंने इनको हमने कहा कि अनिल जी को कहिए इसका संयोजक बने, और वो संयोजक नाट्य कला परिषद के संयोजक बनाए गए, और हम लोग उनके पीछे सारी चीज़ को समेटने में, कलाकारों को जुटाने में लगे रहे। इस तरह से नाट्य कला परिषद संगीत के तत्वावधान में बहुत बड़ा बड़ा आयोजन हुआ। प्रेमचंद की कहानियों का, कई कहानियों का नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, जिसमें सबसे अच्छे कलाकार के बारे में पता चला कि एक विजय सिंह पाल नाम के एक कलाकार हैं जो बरौनी में रहते हैं, रेलवे में उनके पिताजी की नौकरी है, अपने भी उनकी नौकरी शायद भी वहीं हो जाने वाली है, तो वहीं रहते हैं रेलवे के क्वार्टर में, वहाँ हम गए, विजय सिंह पाल से मिले, कई बार उनके यहाँ गए और उनको लाया। दिन भर डॉक्टर साहब के यहाँ नाट्य कला परिषद के लोगों का रिहर्सल करने के लिए जगह की कमी थी, तो उन्होंने अपना हॉल दे दिया और दिन भर वहाँ कलाकारों का जमघट लगा रहता था, तरह तरह का रिहर्सल होता रहता था हमेशा। तो इस ढंग से वो सभी तरह के संगठनों के सूत्रधार थे, सिर्फ वहाँ पर कलाकारों को जुटाते ही अपने घर में नहीं थे, उनके खाने पीने, उनके नाश्ते का भी प्रबंध, चाय पिलाने का, रिफ्रेशमेंट का भी अपना पैसा लगते भी सब कलाकारों को खिलाते थे। ये बात भी हो गई, बहुत बड़ा बड़ा काम हुआ, उसमें सांस्कृतिक आयोजन हुआ, नाट्य कला परिषद के तरफ से नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत किया गया, चैरिटी शो कर करके कुछ पैसा जमा किया गया, विचार किया गया कि साहब यहाँ दिनकर यहाँ पर कोई ऑडिटोरियम नहीं है जिसके चलते बड़ी कठिनाई होती है, तो उन्होंने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दीजिए, हम बात करेंगे इनसे जिलाधिकारी से और हम ऑडिटोरियम बनवाने का भी बीड़ा उठाएंगे। उनका संबंध बेगूसराय के व्यापारी वर्ग से भी बहुत था डॉक्टर साहब का, वो उनके घरों में जा जा करके इलाज भी करते थे, तो वो उन्होंने कहा कि हम सबसे पैसा मांगेंगे और इसको हम बनवाएंगे। तो सरकारी जिलाधिकारियों और SP महोदय के सहयोग से बहुत से पदाधिकारी लोग, एक थे भुवनेश्वर बाबू
जो साहित्य कला में बड़ी दिलचस्पी लेते थे, एडीएम थे, उनसे गहरा संबंध हो गया हमारा भी, डॉक्टर साहब का भी। वो उनके सहयोग से अंत में काफी पैसा जमा किया गया। वो तो बाद में एक रथ, एक रथ थे हाँ, उसके बाद जो है सो ये आयोजन भी हो गया, दिनकर भवन भी बन गया। ये दिनकर भवन उन्हीं की देन है। एक बार इसके पहले ही उन्होंने हमसे कहा कि साहब एक इनका एक आयोजन ऐसा कीजिए। पहले तो उन्होंने कार्ल मार्क्स की जयंती मनाया, इनका मोहम्मद इकबाल, सर इकबाल की जयंती हम लोगों को मनाना है। इसका कई पर्पस होगा सिद्धि से, इससे आपस का सद्भाव यहाँ के मुस्लिम समुदाय से भी बढ़ेगा और इकबाल साहब के बारे में लोगों को जानकारी भी होगी। इस काम को अपने हाथ में आप लीजिए। अब ये भी बड़ा कठिन काम था, डॉक्टर इकबाल के बारे में एक तो मुझको भी कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कई तरह के लोगों का नाम दिया कि इनसे व्यक्तिगत संपर्क कीजिए। महिला कॉलेज की एक प्रोफेसर को उन्होंने नाम दिया, जिनका उनके घर पर हम गए, उनसे बताया कि आप इसके संयोजक बनिए इकबाल जयंती के। तो उन्होंने कहा नहीं, संयोजक तो आप ही रहिए, हम संयोजक नहीं रहेंगे। तो हम कहा अच्छा खैर छोड़िए, संयोजक नहीं रहिए, लेकिन एक काम आपको करना है कि आप इकबाल साहब की शायरी को कुछ कलाकार लोग गाना चाहेंगे गाएंगे, जो साथ साथ आप उनका उच्चारण दुरुस्त कर दीजिए, चूँकि कोई सही ढंग से उच्चारण नहीं कर सकता है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक कलाकारों का जो झुंड गाएगा, कुछ लड़कियों को जमा कीजिए जिसमें आपकी ही बेटी आगे रहेगी, सबसे पहले उसी को लीड करना होगा। हमने कहा वो तो बच्ची है, उससे अभी कहाँ से उर्दू शायरी का पता चले, मैंने कैसे वो गाएगी, कहीं ना कि देखिए ना कैसे गाती है, आप उसको लाइए ना यहाँ पहले। तो उसको हम ले जाने डॉक्टर साहब को जमा कर दिया। हम कहा कि इसको सिखाइए, और 15 दिन तक उन्होंने अपने बैठ कर और महिला कॉलेज के उस प्रोफेसर से उसका उच्चारण दुरुस्त करा करके, रिहर्सल करवा करके ऐसा तैयार किया। और उसमें उस आयोजन में तमाम हिंदुस्तान के नामी नामी शायरों को बुलाया गया था, बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था। किसी को पता भी नहीं चला कि ये लड़की हिंदू है या मुस्लिम है। वो वेशभूषा भी उसका बना दिया गया था बिल्कुल मुस्लिम के जैसा, वो किसी को जानकारी नहीं हुई। अपने डॉक्टर साहब पीछे में चुपचाप खड़े वो सुन रहे थे कि किसकी आवाज़ कैसी निखर रही है या नहीं। हम भी उन्हीं के साथ खड़े हो गए पीछे में जाके, और सारा कार्यक्रम इतना शानदार ढंग से हुआ जिसका वर्णन करना मुश्किल है। डॉक्टर मल्लिक, ए के मल्लिक उसके कमेंटेटर थे, और बहुत बहुत मेहनत उन्होंने भी किया था उस सबको ठीक करने में। तो बड़ा शानदार आयोजन हुआ, मुस्लिम समाज पर सचमुच में इसका बहुत अच्छा असर पड़ा। तो सद्भाव पैदा करना हो, नाट्य रूप कुछ भी साहित्य के क्षेत्र में हो, वो तरह तरह के आयोजन करवा करके लोगों से अपने बैकग्राउंड में रह के अपना खर्चा करके वो बेगूसराय में नई जिंदगी, नया जान, नई जान फूकना चाहते थे। उसी में हम लोगों का संपर्क अनिल जी से ही उसी समय हुआ था, और एक से एक नाटक किया गया जो आगे चल करके बेगूसराय में उसका फल पता नहीं अब वो चीज़ अब जारी है या नहीं है, अब इसके बारे में तो हमको नहीं मालूम है। लेकिन अपने अपने संस्मरणों में विभिन्न प्रकार से लोग आपको अपनी अपना अपना अनुभव बताएंगे। मेरा तो अनुभव यही था कि डॉक्टर साहब का आना बेगूसराय में एक नई शुरुआत थी, एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। नौजवानों को उन्होंने जगा दिया, प्रेरित किया, और एक 32 संगठनों के सूत्रधार बनकर के बेगूसराय में उन्होंने एक नई जान फूंक दी। राजनीति में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी, लेकिन राजनीति से मुझको उन्होंने अलग रखा। उन्होंने कहा कि आप राजनीति में डायरेक्ट पार्टिसिपेशन मत कीजिए, आप उससे अलग रहिए, और अलग रख करके भी उन्होंने हमको किसी किसी काम में लगाए रखा। और उन्हीं के चलते हमारे परिवार में भी
जो जागृति आई या बेगूसराय में समूचे बेगूसराय के समाज में जो जागृति आई, एक नई चेतना फैली, वो उन्हीं की देन है। अब राजनीति में भी हमारे, हमको तो वो जानते थे अच्छी तरह से, थोड़ा सा संस्मरण राजनीति के बारे में है, लेकिन हम उसको सुनाना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों को कठिनाई पैदा हो जा सकती है, इसलिए राजनीति पर हम बात नहीं करेंगे। ये राजनीतिज्ञ लोग ही आपको सुनाएंगे उसके संबंध में कुछ नई नई बातें, जिनको आप, अब हम इसको समाप्त करते हैं, ये ज़्यादा लंबा होने से ही ठीक नहीं रहेगा। तो डॉक्टर साहब के बारे में मुझको जो कहना था वो इतना ही। डॉक्टर साहब काफ़ी दिन रहने के बाद, धीरे धीरे बेगूसराय में रहने के बाद, उनकी कुछ बीमारियों से वो ग्रस्त हो गए, उनको पेप्टिक अल्सर था, और साथ साथ मिसेज गुप्ता बहुत दिन तक इस बात से, इसकी कोशिश कर रही थी बहुत दिनों से कि उनको बेगूसराय से वापस पटना लेकर चलें। तो मिसेज गुप्ता ने एक दिन मेरे पास ये प्रस्ताव किया कि आप मुझको बीए पास करवा दीजिए। बीए हम आईए तक पढ़े हैं, उसके बाद पढ़ाई हमने छोड़ दिया है, अब बीए पास अगर आप करवा दीजिए तो फिर हमारी योजना उड़ने लगेगी। तो हमने उनसे कहा कि हम आपको लिख के सब कुछ दे देंगे, क्वेश्चन आंसर सब लिख के दे देंगे, आप पुराने विद्यार्थी हैं, आप पास कर जाइएगा। पास कर गई, उसके बाद उन्होंने बीएल भी कर लिया। उसके बाद वो चली गई पटना हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के विचार से, वो पटना चली गई। हम उसी दिन समझ गए कि डॉक्टर साहब बीएल चले जाएंगे। डॉक्टर साहब जिस दिन जाने लगे, जाने की घोषणा उन्होंने जब किया वापस पटना, तो ऐसा लगा कि बेगूसराय के जनमानस पर, तमाम खास करके गरीब लोगों पर एक वज्र गिर गया हो, इस किस्म की भावना पैदा हुई। हजारों लोग उनको विदा करने के लिए सिमरिया पुल तक गए, आंखों में आंसू लिए हुए, हाथ में माला लिए हुए, सब लोग उनको विदा करने के लिए सिमरिया तक गए, उसमें से हम भी थे। लेकिन डॉक्टर साहब के वहाँ जाने के बाद एक ऐसी बात मालूम हुई, कुछ दिनों के बाद हमको पता चला कि मिसेज गुप्ता आजकल बीमार हो गई हैं और उनको अब बिछावन पर ही पड़ी रहती हैं। हम देखने के लिए गए तो पहचाना उन्होंने हमको, आँख से आंसू उनको गिरने लगा धारा प्रवाह, हम भी रोने लगे। उनका कंठ बंद हो गया था, वो कुछ बोलना नहीं चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाती थी। तो इसी कंडीशन में एक आध महीने के बाद उनका निधन हो गया, और डॉक्टर साहब भी सदमा को बर्दाश्त शायद नहीं कर सके। कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर साहब का भी निधन हो गया। सबसे बड़ी दुख की बात यह हो गई कि उनका लड़का भी, जो डॉक्टर शैवाल गुप्ता, जो बहुत बड़ा अर्थशास्त्री था, वो भी वो भी चला गया, वो भी आज दुनिया में नहीं है। इन तीनों व्यक्तियों की जब याद आती है, डॉक्टर पी गुप्ता, उनकी पत्नी, उनके लड़के की याद आती है, तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन भीतर से बड़ा बेचैन हो जाता है। इन तीनों को अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से हम श्रद्धांजलि हमेशा अर्पित करते रहेंगे। जब जब उनकी याद आएगी, उनको हम श्रद्धा की निगाह से सब दिन देखा है और देखते रहेंगे, तो उनको हम एक बार फिर श्रद्धांजलि तीनों को अर्पित करते हैं। एक घटना की याद आ रही है। एक दिन कामदेव सिंह के घर से आधी रात को डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए एक आदमी गाड़ी लेकर आया। तो डॉक्टर साहब को उसी समय ले जाना चाहता था अपने घर पर। मिसेज गुप्ता इसके लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने बहुत समझाया कि इस समय, इस खतरनाक समय में, आधी रात में ऐसे व्यक्ति के यहाँ जाना जो कट्टर विरोधी है, जिसका परिवार कम्युनिस्टों का, ऐसी हालत में उसके यहाँ जाना ठीक नहीं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। बेगूसराय का बच्चा बच्चा उनको जानता है। वो कम्युनिस्ट पार्टी के, कम्युनिस्टों के जबरदस्त विरोधी थे, और उनके डर से बहुत सारे लोग थर थर कांपते थे।
इतना उनका रोब दाब था, लेकिन मिसेस गुप्ता ने मना किया बहुत कि ऐसे समय में वहाँ जाना ठीक नहीं है। तब भी डॉक्टर साहब ने नहीं माना, उन्होंने कहा कि अगर किसी का प्राण जा रहा हो और वो बुलाने आया हो तो डॉक्टर का पहला धर्म है उसके प्राण की रक्षा करना, हम इस धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं, ये हमारा प्रोफेशनल रिलीजन यही करता है। तो वो चले गए और 3 घंटा तक उनके घर पर रहे, सुबह में वो लौटे। इस बात को डॉक्टर मिसेस गुप्ता ने मुझको खुद बताया था, क्योंकि मैं धीरे धीरे डॉक्टर साहब से घनिष्ठ होने के कारण उनसे भी घनिष्ठता हो गई थी, उन्होंने मुझको बताया था। तो डॉक्टर साहब सचमुच में महामानव थे, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। जाति धर्म अनेकों प्रकार के संप्रदाय राजनीति की संकीर्णता ये सबसे ऊपर उठकर वो सबों के बारे में, खास करके गरीब जनता के बारे में जिसको 2 शाम की रोटी भी नहीं मिलती है उसकी चिकित्सा तो उनका अपना पेशा था, उसके अतिरिक्त वो और तरह से उसके लिए सबके लिए चिंतित रहते थे, पूरे समाज में जागृति फैलाना चाहते थे, हर तरह की जागृति। वो बेगूसराय का कल्याण चाहते थे, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हर तरह से बेगूसराय को जगाना चाहते थे। उनका कहना था कि नौजवानों में बड़ी प्रतिभा है लेकिन उसको जगाने की जरूरत है। ऐसे महामानव के बारे में संस्मरणों की जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रोग्राम अनिल पतंग जी चला रहे हैं, बेगूसराय की लाखों जनता की ओर से हम उनको बधाई देते हैं, उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ी को इस बात की जानकारी हमेशा मिलती रहनी चाहिए कि डॉक्टर पी गुप्ता कौन थे, किस प्रकार के व्यक्ति थे, जिनका नाम बहुत श्रद्धा के साथ लोग लेते थे और आज भी ले रहे हैं। पुराने लोग तो लेते ही थे उनका नाम आदर से, नई पीढ़ी भी उनके बारे में जानते रहे और अनुप्राणित होते रहे, इसके लिए ये श्रृंखला बहुत काम करेगी। एक इच्छा मेरी और है कि डॉक्टर साहब के जीवन पर, अनिल जी फिल्मकार भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी फिल्म बनाया है, तो आगे वो उनके जीवन पर आधारित एक पूरी की पूरी फिल्म बनावे जो एक जगह उनके संबंध में सारी जानकारी मिल जाए। ऐसे तो संस्मरणों को सब लोगों का संस्मरण पढ़ने के बाद उनके बारे में जानकारी मिल ही जाती है, लेकिन उसको एक जगह इकट्ठा करके उनके जीवन पर एक फिल्म बनाने का काम वो करें तो मुझको बड़ी खुशी होगी। मैं उनको एक बार फिर समों की ओर से बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने जो संस्मरण सुनाया बहुत सही बातें मुझे भी मालूम है, तो आपने वैसे बातों को सामने लाया जो इनके व्यक्तित्व को और बेगूसराय के तमाम गतिविधियों में एक सूत्रधार की भूमिका में जिस तरह से डॉक्टर पी गुप्ता रहे और उनकी जो मानसिकता रही कि पीछे से स्टेयर करना, इसी तरह से और आप भी उसी ढंग से सारे गतिविधियों को संचालित करते रहे, मैं आपका बहुत बहुत नमन करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के संस्मरणों का लाभ हमें भविष्य में भी देते रहेंगे। और आपसे भी है कि आपके पास अगर कोई संस्मरण हो तो हमारे इस नंबर पर आप संपर्क करें 7004839500 ये हमारा व्हाट्सएप का भी नंबर है, और आप चाहें तो अपने यहाँ से 4-4 मिनट के टुकड़ों में छोटे छोटे वीडियोज बना के भी भेज सकते हैं जिसको हम स्टॉप टीवी पर प्रसारित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपने गुरुदेव का चरण वंदन करता हूँ और नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।